कोरोना की तमाम डराने वाली खबरों के बीच में एक अच्छी खबर आपको बताते हैं। कोरोना को रोकने के लिए राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्लाज्मा बैंक के खोलने की घोषणा कर दी है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगले दो दिनों में प्लाज्मा बैंक खोल दिया जाएगा। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए सीएम केजरीवाल ने प्लाज्मा बैंक खोलने का फैसला किया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला लिया है। प्लाज्मा बैंक कोरोना मरीजों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी घोषणा की। इस बैंक से कोई भी प्लाज्मा ले सकता है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, लेकिन इसके लिए अस्पताल या डॉक्टर की अनुमति लेना जरूरी होगा। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली के आईएलबीएस हॉस्पिटल में प्लाज्मा बैंक अगले दो दिनों में शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी और कई प्राइवेट अस्पतालों में भी प्लाज्मा थेरेपी करने की इजाजत दी। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। ये अपनी तरह का पहला प्लाज्मा बैंक होगा कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए। तो हम प्लाज्मा बैंक बनाएंगे, दिल्ली सरकार प्लाज्मा बैंक बनाएगी। इसकी जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं पिछले दो तीन दिन में, और इस प्लाज्मा बैंक से सभी को प्लाज्मा मिलेगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। कोई सीधे आईएलबीएस जो हमारा अस्पताल है दिल्ली सरकार का, वहां पे प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। अगर किसी को प्लाज्मा चाहिए तो डॉक्टर को या अस्पताल को प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा कि इनको प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत है, और डॉक्टर या हॉस्पिटल आईएलबीएस को अप्रोच करेंगे और आईएलबीएस उन्हें प्लाज्मा दे देगा। ये प्लाज्मा बैंक हमारा दो दिन में शुरू हो जाएगा, इसकी सारी कार्रवाई हम लोग पूरी कर लेंगे। सरकार के मुताबिक दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू हुआ था, जो काफी हद तक सफल रहा। इसके बाद केंद्र सरकार से इसके और भी ट्रायल करने को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। अब जरूरत है उन लोगों की जो सामने आए और प्लाज्मा डोनर बने। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर कॉल कर बताया जा सकता है कि वो प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं। केजरीवाल ने लोगों से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो लोग ठीक हो गए हैं उन लोगों को सामने आके प्लाज्मा डोनेट करना पड़ेगा। मेरी सब लोगों से, जो जो लोग कोरोना से ठीक हो गए उन सब लोगों से प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि आप सब लोग सामने आके खुल के प्लाज्मा डोनेट कीजिए, ताकि दूसरों की जान बचाई जा सके। अगले कुछ दिनों के अंदर हम नंबर जारी कर देंगे, उस नंबर पे जो जो लोग देना चाहते हैं उस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हैं कि मैं देना चाहता हूँ, और उनसे संपर्क करके उनसे सारा इंतजाम कर दिया जाएगा उनसे प्लाज्मा लेने का। सरकार की तरफ से भी हम कॉल करेंगे, जितने पेशेंट्स अभी ठीक हुए हैं उन लोगों को उन्हें मनाया जाएगा, उन्हें प्रेरित किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना प्लाज्मा दें। दरअसल प्लाज्मा डोनर सिर्फ वही शख्स बन सकता है जो कोरोना से ठीक हो चुका हो। कोरोना से ठीक हुए आदमी के शरीर में काफी एंटीबॉडीज बन जाती है, जो प्लाज्मा के जरिए एक कोरोना पीड़ित को दी जा सकती है। अब तक के परीक्षण के हिसाब से प्लाज्मा थेरेपी काफी कारगर साबित हुई है। यही वजह है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़कर काम कर रही है। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।